हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू टुडे? नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट डॉट प्रोडक्ट. क्या करेंगे? डॉट प्रोडक्ट स्टार्ट करेंगे. देखिए सामने है आपके बिल्कुल बोर्ड पर डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, अदिश गुणा. क्या बोलते हैं बेटा? अदिश गुणा. ठीक है, तो देखो बच्चों क्या है, यहाँ पर हम सपोज करते हैं कि हमारे पास ए वेक्टर कितना है. ए वेक्टर के लिए एक वेक्टर ले लिया ए वन आई प्लस ए टू जेड के प्लस ए थ्री के और बी वेक्टर हमने ले लिया. बी वेक्टर कितना लिया? बी वन आई के बी वन आई के प्लस बी टू जे के प्लस बी थ्री के राइट. अब इनका अगर हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट, तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? ए मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी और साइन कॉस थीटा. क्या है? कॉस थीटा. ये हमारे पास है. ठीक है, डॉट प्रोडक्ट का बेसिक जो फॉर्मूला वो यही है. यहाँ से हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं. कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी? कॉस थीटा ए डॉट बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी. जब भी हमसे एंगल पूछा जाए हम ये फॉर्मूला यूज करें. ठीक है, अब देखो मैं अभी क्वेश्चन बताऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले एक नोट डाल लो. क्या डाल लो? कि नोट नंबर एक, आई डोंट आई. आई डोंट आई क्या होता है? वन. जे डोंट जे भी क्या होता है? वन. वन ठीक है, वन. के डोंट के भी क्या होता है? वन होता है. आई डोंट जे क्या होता है? अगर आई डोंट जे की बात करें तो जीरो होता है. जे डोंट के क्या होता है? जीरो होता है. के डोंट आई क्या होता है? जीरो. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास I, J, K, I, J और K क्या है? X, Y, Z, I, J, K आर यूनिट वेक्टर अलोंग X, Y, Z एक्सिस. I, J, K आर यूनिट वेक्टर अलोंग X, Y, Z एक्सिस. ठीक है, ये बिल्कुल शानदार याद कर लें आप. ठीक, फिर गारंटी है मेरी कि आपका वेक्टर का एवरी क्वेश्चन गलत दिख जाएगा. फटाफट नोट करो इसको. कल बेटा नोट. चलिए स्टार्ट करते हैं. मैं बात कर रहा था इस फॉर्मूले पे बेस कोई क्वेश्चन करने के लिए. सोच रहा था मैं इस फॉर्मूले पे बेस कोई क्वेश्चन करें, तो देखो बेटा क्या है मेरे पास में. ए वेक्टर गिवन है आई प्लस जी और बी वेक्टर गिवन है जे प्लस के. ये वेक्टर गिवन है. ठीक है, पूछा गया मुझसे फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी. फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी. फटाफट करो आप, कर सकते हो. तो ए डॉट बी. ठीक है, ए डॉट बी निकालेंगे. देखो ए डॉट बी कैसे निकालते हैं वो भी देख लेते हैं. ए डॉट बी, आई का कोएफिशिएंट कितना है? वन. यहाँ पर कितना है? आई का कोएफिशिएंट है यहाँ पर? नहीं है. कहाँ है? यहाँ पर नहीं है. तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? जीरो. ठीक है, जे का कोएफिशिएंट यहाँ पर कितना है? वन. यहाँ जे का कोएफिशिएंट कितना है? वन. ठीक है, यहाँ के का कोएफिशिएंट कितना है? जीरो. यहाँ के का कोएफिशिएंट कितना है? वन. ठीक, ए डॉट बी कर लिया हमने. तो कुल मिलाकर हमारे पास अगर बात करते हैं अपन, ठीक है, तो ये कितना आ गया? वन. ये जीरो जाएगा, जीरो प्लस वन प्लस जीरो. ठीक, अब देखो जनरली अगर हमें ए डॉट बी निकालना है, ए डॉट बी, तो हम ए डॉट बी ऐसे भी निकाल सकते हैं. जैसे मान लीजिए आपके पास में ये ए डॉट बी है. ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए वन बी वन, ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू डायरेक्ट प्लस ए थ्री बी थ्री, ए थ्री और बी थ्री. ये आपका बेसिक फॉर्मूला हो सकता है. अब अगर मान लीजिए ए वन आई का आप ए वन आई का इसके साथ करोगे तो जीरो आएगा, इसका इसके साथ करोगे जीरो आएगा. ठीक है, इसका इसके साथ करोगे जीरो, इसका इसके साथ करोगे ए टू बी टू आ जाएगा. ठीक, और इसका इसके साथ करोगे तो जीरो आ जाएगा. ऐसे ए थ्री का बी वन के साथ करोगे तो जीरो, इसका इसके साथ जीरो, इसका ए थ्री बी थ्री आ जाएगा. तो डायरेक्ट याद देखो फॉर्मूला ए डॉट बी क्या होता है? ए वन बी वन ए टू बी टू और ए थ्री बी थ्री. तो यही काम मैंने यहाँ पर किया. ठीक है, बेटा दे इसको. अब देखो बेटा इसका मॉडुलस निकाल लो. ए का मॉडुलस क्या होगा? ए का मॉडुलस कैसे निकालते हैं? आई का कोएफिशिएंट वन, वन का स्क्वायर प्लस जे का कोएफिशिएंट कितना? वन. वन का स्क्वायर कितना है? रूट. कितना है? रूट. सही है, आ रहा है समझ में? आ रहा है ना? ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा?
दिखाई नहीं दे रहा भाई। अब देखो, बहुत सारा दिखाई नहीं दे रहा यार। चलो ठीक है, उधर नहीं लिखेंगे अपन, है ना। देख लो, इसका भी निकाल लेते हैं, फिर अपन इसको बंद कर देंगे। ऐसे बी का, अगर मान लो बी का मॉडुलस भी निकाले तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी 1² + 1² कितना है दोस्तों, ये सब वैल्यू यहाँ पर है। ए डॉट बी की वैल्यू क्या है, ठीक है, मॉडुलस ऑफ मॉडुलस ऑफ बी की वैल्यू √2 × √2 कितना है, 1/2, ठीक। कितना आ जाएगा थीटा, 1/2 का होता है, थीटा कितना होगा बोलो, 60 डिग्री, कितना होगा बेटा 60 डिग्री, नोट कर लो फटाफट फटाफट। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं भाई, डॉट प्रोडक्ट हमारा चल रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट चल रहा है, सॉरी डॉट प्रोडक्ट चल रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, डॉट प्रोडक्ट चल रहा है, ठीक है। कंडीशन कंडीशन 4 परपेंडिकुलर ऑफ टू वेक्टर्स दो सदिशों के लंबवत होने के साथ, क्या होगा, थीटा 90 हो जाए, क्या हो जाए बेटा, थीटा 90 हो जाए। तो थीटा 90 हो जाए तो देखो क्या करेंगे, अभी हमने पढ़ा था कॉस थीटा इक्वल्स टू ए डॉट बी, मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ ए, ठीक, थीटा 90 करते हैं कॉस 90, तो क्या आएगा ए डॉट बी, मॉडुलस ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ ए, ठीक। कॉस 90 कितना होता है, 0, ये 0 हो गया। अब ये सब मॉडुलस वॉडुलस सब उसी में चल गए, 0 में 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 आएगा, क्या आएगा ए डॉट बी, और ए डॉट बी की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, a1b1 + a2b2 + a3b3 = 0। तो आपके पास कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर ऑफ टू वेक्टर, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर ऑफ टू वेक्टर्स विल बी दिस, ए डॉट बी शुड बी 0, मीन्स a1b1 = a2b2 + a3b3 = 0, नोट डाउन करो। हो गया बेटा यहाँ तक, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं इस सब्जेक्ट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्या होगा क्वेश्चन, क्या है कि आपको दे रखा है कि ए वेक्टर इक्वल्स टू 2i + 3j - α k, ये अल्फा के, ठीक है, और बी वेक्टर गिवेन है i + j + 2k, ठीक। यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, 2 लगा देते हैं, ठीक है। पूछा गया इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर फाइंड अल्फा, क्या निकालना है, अल्फा क्या निकालना है बेटा, अल्फा निकालना है, बात समझ में आ रही है, अरे बोलो बच्चों बात समझ में आ रही है, तो निकालो जरा आप लोग निकालो, क्या आंसर आएगा, निकाल दिया, बहुत इंटेलिजेंट आदमी हो तुम लोग, मेरे से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हो लगता है मुझे, कि तुम्हारा तो बहुत परफॉर्मेंस फास्ट हो गया है। ओके गाइस, नाउ देखिए a1b1, ठीक है, तो 2 × 1 + a2b2 तो कितना हो जाएगा 6 + यहाँ पर माइनस अल्फा और यहाँ पर 2 = 0, तो कितना हो गया 8 - 2α = 0, तो 2α = कितना है 8, तो अल्फा कितना है 4, गॉट इट और नॉट, समझ में आया कि नहीं, दिखाई नहीं दे रहा यार, दिखाई नहीं दे रहा कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, देखो इसको, ठीक है, ओके गॉट इट नाउ, ओके बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा दें इसको। ये था हमारे पास में डॉट प्रोडक्ट और
इस पे अपन क्या वर्क पे बेस्ट क्वेश्चन कर लिया और किस पे बेस्ट क्वेश्चन कर लिया हमने, बोलो, परपेंडिकुलर कंडीशन पे। तो ये छोटे छोटे वीडियो हैं, ठीक है, ऐसे इसके बाद हम जस्ट क्रॉस प्रोडक्ट पर वीडियो बनाते हैं, तब तक आप देखते रहिए। थैंक यू।